सन 2005 अप्रैल 12 की गल है कि मैनू रात मामूली जिहा घर दा काम करदे करदे सट लगी तो उस दे नाल अंगूठे ते। उस तों बाद मैं लम्मे पिया महसूस होया कुछ पेन हो रही, पेन इन्नी ज़्यादा होई कि मैं सह ही नहीं कर सकता, बहुत दर्द हुई। उस तों बाद मैनू हॉस्पिटल लियाया गया। हॉस्पिटल जाने तों बाद एक टीका लगता, मैं उसका नाम तो जानता नहीं, बहुत पावरफुल हुंदा महंगा भी है वह लगा, पर उन्हें भी कोई मेरे ते असर नहीं किया। उस तों बाद फिर मैं बेहोशी की हालत सी, फिर एक टीका लगाया गया और उस तों बाद 7 दिनों बाद मैं ठीक होया। कुछ उहदे दौरान जो मैं मतलब हॉस्पिटल गया ही सी, उस बाद मेरे मिसेज जो कि इस संस्था के नाल, मैं उहदा ऋणी हाँ अपनी मिसेज का भी, कि उन्हें मैनूं सीधे राह ते पाता। उन्होंने अपना ये लिंक जिहड़ा सीगा इधरले पासे गुरबाणी के नाल सर्वरोक ऑक्सीजन मिशन के उत्थे सेवादार नाल ही सन, उन्होंने बेनती की कि मेरे पति वास्ते अरदास करो सरदार जी वास्ते। और मैं उही अरदास दा शायद अज अपना जीवन भोग रहा हाँ। वो अरदास मेरी इन्नी सिरे चढ़ी कि मैनू अगे उस तों बाद जो भी कोई डिफिकल्टी किस तरह की भी आई शरीरक तौर पर, उहदे विच मैं हर तरह नाल परमात्मा ने पार कृपा की ठीक होया। डॉक्टर वालों मैनू सुजैसट किया गया कि एंजियोग्राफी कराओ, और उस तों बाद माइट बी पॉसीबल कि ताडा ओपरेशन भी हो सकता, यू विल हैव टू अरेंज सम अमाउंट हैवी अमाउंट। मैं किन्नी अमाउंट लगेगी, इहदा 2.5-3 लाख रुपया लग ही जाना, मूली गल। मैं एक आम परिवार की तरह हाँ, मेरे वास्ते 2.5-3 लाख रुपया बहुत मायने रखता सी, पर इंपलॉई होने करके मैं फिर भी सोचा मैं कोशिश करांगा जिस तरह भी चलो जो कुछ है न सजेशन। DMC हीरो आर्ट के मैं कुछ दिनों बाद गया उन्होंने को सजेशन ली, उन्हें कहा जी वाकई तुम्हें महसव हार्ट अटैक होया और हार्ट अटैक इन्ना वड्डा है कि वाकई तुम मतलब कुछ ना कुछ अगों महसूस होएगा कि शायद सानू इहदा ओपरेशन भी करना पे, पर उस तो पहले तुम एंजियोग्राफी करनी पेगी। एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी करन दे टेबल ते मैं जाण तो पहला अंदर मैनू चौपाई साहब का पाठ जबानी याद हुंदा सी, मैं 10-12 वारी चौपाई साहब का पाठ किया है। इधर मैं अंदर पाठ कर रहा उधर सर्वरोग ऑक्सीजन मिशन के शब्द मेरी मिस बाहर बैठी थले करी जा रही और आप ही नहीं करी जा रही। मेरा ख्याल पता नहीं किन्नी संगत नूं उत्थे जिन्ने पेशेंट बैठे उन्होंने किताबां भी उन्होंने दित्तियां और यह प्रचार किन्ना क किया, यह तो मैं उही जानते ही। और उस दिन का जो मेरे ते रिजल्ट की होया, जिन्हें भी पेशेंट उस दिन एंजियोग्राफी हुई उहदे विच रिजल्ट की होया सी कि सारे दे बाईपास सर्जरी वास्ते सजैसट किया गया जां वाल्व वगैरह चेंज करने जां होर समथिंग, पर मैं परमात्मा दी अपार कृपा दे नाल मैं केवल दवाइया ते ही निर्भर रहा। दवाइया मामूली जे उह कहिंदे ताडा उसरे सर जाएगा, दवाइया तुसीं थोड़े बहुत खाणियां हन, और दवाइया दे नाल मैं उस तों बाद अज ठीक हाँ। दवाइया भी बहुत नॉर्मल, डॉक्टर साहब ने दिखा लिया, यह कहते दवाइया भी बिल्कुल फालतू हैं, एक नॉर्मल एक दो दवाइया मैं लेंदा रहा गोलियां, उस बाद मैं अज तक ठीक हाँ। उस तों बाद मैनू दसंबर दे विच, दसंबर 2005 दे विच मेरे पल्स रेट घटिया, उहदा कारण कुछ शायद इलैक्ट्रिक वन कड़ी चीज मैं नहीं बहुता जानता, उहदे बारे मैनू पेसमेकर पाया गया, पेसमेकर भी मेरा ठीक चल रहा। यह अपार कृपा गुरु ग्रंथ साहब की है और मैं ऋणी हाँ सर्वरोग ऑक्सीजन मिशन का, जेडे निरार्थक हो के अपनी सेवा कर रहे हैं, जिन्हें भी इतने सेवादार सेवा निभा रहे हैं, भावें कीर्तन करते हैं भावें गुरु महाराज के चरणा जा के कोई ना कोई ड्यूटी निभा रहे हैं, ये बिना पैसे तो और बिना अपना कीमती टाइम कट के कर रहे हैं। यह शायद कोई डॉक्टर साहब का मैं बहुत ऋणी हाँ कि एक डॉक्टर होंगे उन्होंने अपनी डॉक्टरी का तो पता ही नहीं कि मेरे भी उत्थे दुकान का कोई नुकसान हो रहा है, इत्थे मरीजों का भला कर करके ये किन्नी कमाई कर रहे हैं ये महाराज जानता है। और असी लुधियाने के निवासी शायद एक दावे ना कह सकते हाँ कि असी बहुत ही भागा वाले हाँ जिन्होंने सानू ये चानण मनारा दिसिया, और असी इस तरह अपील भी करते हाँ कि संगत जिथे तक रोगी होर हैं जेडे साडी आवाज़ सुनते हैं वो इस चीज़ का भयानक भयानक तरह की बीमारियां जिहड़ियां है उदा भावें डॉक्टर कोई इलाज ना कर सकते, महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव यह डॉक्टर है, इन्हें कुछ हर तरह की दवाई भी है और बहुत सौखा इलाज है, एक सिर्फ हाजरियां भरन के नाल और विश्वास सब तो वड्डा भरोसे की गल है, विश्वास करो
और मेरा ख्याल गुरु घर दी खुशियां प्राप्त तुसी हर कर सकते हो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।